जय हिंद दोस्तों। कल हमने चैप्टर करवाया था परसेंटेज का, आज टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। हम इस चैप्टर में कम से कम जो है 40 से 45 क्वेश्चन करवाएंगे टाइप वाइज। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये पहला टाइप है। इसमें क्या कहता है स्टेटमेंट में कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 10 रुपए की 11 की दर से खरीदता है और उन्हें 11 रुपए की 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि हमने प्रतिशत बताना है। वह कितने परसेंट उसे लाभ हुआ या हानि हुई है वो हम कैसे निकालते हैं वो देखो। इसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें जो वस्तुएं होती हैं उसको बराबर कर लेते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन पर करके दिखाता हूं आपको। अब इसने क्या किया है कि 10 रुपए में 11 की दर से उसने खरीदी, ये खरीदी वस्तु। इसका मतलब ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी और 11 रुपए में 10 वस्तु बेच दी, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। इतने में वो बेची, हमने वस्तु हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा, इसको 11 से गुणा। तो यहां गुणा किया तो यहां भी गुणा करना पड़ेगा 10 से, यहां भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। अब 10 से गुणा किया, 10 को कितना आया 100, 11 से 11 को गुणा कितना आया 121। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपये, वो बेच रहा है कितने में 121 रुपये में। कितने रुपए का लाभ उठा रहा है, 21 रुपए का। ठीक है, 21 रुपए का लाभ। और लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं, 100 गुणा में 100। तो हम कह सकते हैं कि उसे 21% 21% का लाभ हुआ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना उसमें हमने बस वस्तुओं की संख्या जो होती है वो सिर्फ बराबर कर लेनी है, क्वेश्चन हल हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सेम टाइप का।